Hello everyone. Today I am Ayush Dungwal from Manandmay Memorial School and I study in 10th class. So today I will be talking about waste. तो आज हम बात करने वाले हैं कचरे के बारे में. कचरा एक अनवांटेड मटेरियल है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती और हम उसको जो कि डैमेज होता है, डिफेक्टिव होता है और हमें लगता है कि हमें उसको फेंक देना चाहिए, लेकिन लोग उसको फेंक देते हैं नदियों में, रोडों में और जंगलों में, जिससे कि जानवरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. किस चीज़ में? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. जो जानवर होते हैं, जानवर जैसे अगर हम नदियों में फेंक देते हैं तो नदियों में फेंकने से जो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. उसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक जैसे कि, और जिससे कि लोगों जो एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है. तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूनिसिपल वेस्ट. तो म्यूनिसिपल वेस्ट इज हाउस होल्ड वेस्ट. तो हाउस होल्ड वेस्ट हमारा जाता कहाँ है? हाउस होल्ड वेस्ट को हम लोग फेंक ही देते हैं, जैसे कि नदियों में फेंक दिया, जैसे कि ड्रेन में फेंक दिया. ड्रेन में फेंकने से होता क्या है कि जैसे हमने ड्रेन में फेंका और वो जाता है सीधा रिवर्स में, और रिवर्स वो जाता है सीधा ओशन में. ओशन में रहते हैं हमारे बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो आज हम ये देखेंगे कि उन जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसको हम कहाँ फेंकेंगे. तो हाउस होल्ड वेस्ट को हम दो जगहों पे डिवाइड करेंगे. सबसे पहला एक ड्राई वेस्ट और एक वेट वेस्ट. तो ड्राई वेस्ट जो है वो हमारा जाएगा ब्लू डस्टबिन में, और जो हमारा वेट वेस्ट है वो जाएगा ग्रीन डस्टबिन में. तो जो वेट और ड्राई वेस्ट है, इन दोनों वेस्टेज को हम देखेंगे कि इनको हम अलग अलग करके डालेंगे, और हम अभी देखने भी वाले हैं कि हमारा जो डस्टबिन है वो कैसे कलर का होगा और हमें कहाँ पर, जैसे कि जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट में हम क्या डाल सकते हैं? पेपर्स और पॉलीथीन्स, दीज आर समथिंग ड्राई वेस्ट. एंड वेट वेस्ट इज जो कि हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं और फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उन सब चीज़ों को हम डालते हैं वेट वेस्ट. तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में यहाँ पर एक है वेट वेस्ट और एक है ड्राई वेस्ट. तो हमने अलग से जो कि अभी हमने कुछ खाना पकाया था, तो खाना पकाते समय हमें कुछ वेजिटेबल्स की बीन्स मिली है और कुछ पॉलीथीन्स और कुछ पैकेट्स मिले हैं. तो अब हम देखते हैं कि हमें वो जो पॉलीथीन और पील्स हैं वो उसको कहाँ कहाँ डालना है. तो सबसे पहले हम ये पॉलीथीन्स देखते हैं कि हमें इनको कहाँ डालना पड़ेगा. तो सबसे पहले इन पॉलीथीन्स को हम उठा करके हमें इन दोनों में से ड्राई वेस्ट में डालना है. तो हम ड्राई वेस्ट को खोलते हैं और हम इसको डाल देते हैं ड्राई वेस्ट वाले डस्टबिन में. और अभी हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स की पील्स भी पड़ी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि इन सबको हमें डस्टबिन में डालना है, तो हम इसको वेट ड्राई वेस्ट में नहीं डाल सकते. तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसको वेट वेस्ट में डालना पड़ेगा. तो हम इसको खोलते हैं और ये हमारा वेट वेस्ट का डस्टबिन. हम इसको खोलते हैं और इसको इसके अंदर पील्स डाल देते हैं. तो ये वेट वेस्ट को हम ऐसे कुछ डाल सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो डस्टबिन है, हमें इन दो डस्टबिन में अपना हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो ऐसे डाल करके. तो जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी डस्टबिन से भी कुछ एक्सपेरिमेंट करा था कि हमें कहाँ कहाँ कैसा डालना है, तो हमें ऐसा ही कुछ अपने घरों से कचरा निकालना है और कचड़ों को डालना है वेट डस्टबिन में और ड्राई डस्टबिन में. तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ऐसा कुछ अपने घर पे करोगे और अपने पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे, अपने पूरे एक्वाटिक एनिमल्स जो हमारे जंगल के जो जानवर हैं उनको बचाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.